हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनीता शर्मा। टुडे वी विल रीड चैप्टर 4, विच इज अ पोयम, नाम बताओ। चैप्टर 4, नाम बताओ। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान की दृष्टि से यदि हर क्रिया को देखें तो कारण पता चल सकता है। जैसे हम प्राय अपनी परछाई देखते, यह हर पल कैसे हमारे साथ रहती है उसका कारण भी जाने। आइए हम इस पोयम को यानी इस कविता को पढ़कर, इस कविता का वाचन करके हम इसका कारण जानते हैं। मैं उठता हूँ वह उठती है, मैं चलता वह चलती, मैं दौड़ू तो साथ दौड़ती, सदा साथ ही रहती। पकड़ू तो मैं पकड़ न पाऊं, अजब खेल है उसका, हाथ न आवे साथ न छोड़े, यह स्वभाव है किसका। जल्दी से तुम नाम बताओ, नहीं समझ में आया, मैं भी तुम्हें बताए देता, वह है मेरी छाया। यह जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। मैं उठता हूँ वह उठती है, मैं चलता वह चलती, मैं दौड़ू तो साथ दौड़ती, सदा साथ ही रहती छाया। यानी वह कह रहा है कि जब मैं उठता हूँ तो वह भी मेरे साथ उठ जाती है, और जब मैं चलता हूँ वह भी मेरे साथ चलती है, मैं दौड़ता हूँ तो वह भी दौड़ती है, और वह हमेशा मेरे साथ रहती है। अगर मैं उसको पकड़ना चाहूँ तो वह मेरे पकड़ में नहीं आती। अजब यानी उसका खेल अनोखा है, उसका बड़ा निराला खेल है। वह हाथ भी नहीं आती और हमारा साथ भी नहीं छोड़ती, यानी हमेशा हमारे साथ भी रहती है। यह स्वभाव किसका है? वह क्वेश्चन कर रहा है कि यह स्वभाव किसका है, बताओ। जल्दी से तुम उसका यानी बहुत जल्दी तुम उसका नाम बता दो, नहीं समझ में आया आपको तो चलो मैं ही बताए देता हूँ, वह मेरी छाया है। छाया हमेशा हमारे साथ रहती है ना, अगर हम उसको पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ में नहीं आती, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, जहां भी जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये जो कविता है वह छाया पर ही आधारित है। परछाई बनने का वैज्ञानिक कारण क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। परछाई यानी छाया। जब परछाई बनती है तब रोशनी के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यह अवरोध प्रकाश के विपरीत दिशा पर रोशनी को पहुंचने से रोकता है, जिससे वहां पर परछाई बन जाती है, यानी वहां परछाई का निर्माण हो जाता है।